क्या आप फ्रांस की आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपकी सारी जो आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है कमल कुमार और मैं माल्टा के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन ये हटके वीडियो होगी। तो जैसे आपको पता है, मैं पीछे जब फ्रांस में गया था तो एक इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास फ्रेंच आर्मी के बारे में, वहाँ जाके मुझे मालूम पड़ी थी, तो वीडियो बना नहीं पाया, टाइम नहीं लग रहा था और दिमाग से निकल रहा था मेरा। तो फाइनली फिर मुझे इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर एक याद आ गया कि क्यों ना मैं इस पर वीडियो बना दूँ। मैं तो अगर आपने फ्रांस आर्मी में अगर भर्ती होना है तो ये इंडियन एंड नेपाली लोगों के लिए है। आप ये दोनों किसी कंट्री के लोग फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो अगर आपने इसमें ज्वाइन होना है, आपको किसी न किसी शेंजन जोन में होना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ जाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास TRC कार्ड चाहिए, बिना TRC कार्ड के भी हो जाएगा, बस आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है जी। और जो क्राइटेरिया है वो है, जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 40 ईयर्स, सबसे बढ़िया जो चीज़ है 40 साल। मतलब आप 40 साल तक से पहले पहले, जैसे 39 हो गया, 40 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इतना हार्ड नहीं होता है जैसे हमारे इंडियन आर्मी में होता है हार्ड, क्योंकि उसमें पता ही है आपको एज लिमिट 23 तक होता है नॉर्मल बंदों के लिए। अगर ज़्यादा हाई रैंक है उनके लिए तो अलग बात हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि अगर आपको ले जाएंगे, भर्ती करवा लेंगे और आपको जंग में डाल देंगे जहाँ वॉर हो रही हो, ऐसा होता नहीं है। ये पीसफुल कम्युनिटी के लिए लेके आते हैं, पीस जगह जहाँ पे पीस होता है, जैसे UN हो गया, वहाँ पे हमको डिप्लॉय करते हैं, मतलब जो इसमें ज्वाइन होता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो 39 40 साल तक जिसको ले रहे हैं उसकी आपको पता ही है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी तो होगी नहीं, इतना बॉडी उसका स्ट्रांग तो होगा नहीं, इतना तेज तो होगा नहीं, जैसे जो जितने के 18 साल 19 साल के लड़के लोग जो ज्वाइन होते हैं उनकी बॉडी, और 39 साल 35 साल में जो ज्वाइन हो रहे हैं उनकी बॉडी में तो बहुत फ़र्क होगा। तो ऐसा मत सोचना कि हम आपको ऐसे जगह में डाल देंगे जहाँ से, जहाँ पे वॉर हो रही हो, ऐसा नहीं है। और बेनिफिट क्या होगा इसका कि अगर आप ज्वाइन होते हो, पहले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका, ठीक है जी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद फिर रिन्यू होता है। और उसके बाद पता ही है आपको, फिर 5 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो फ्रेंच पासपोर्ट के लिए, आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो। और जो मिनिमम जो सैलरी होती है वो 1500 तक होती है, ठीक है। तो 1500 तक सैलरी होगी, अगर अगर आपको फ्रांस में ही अगर आपको डिप्लॉय किया जाता है तब 1500 होगी। अगर आपको आउट ऑफ फ्रांस अगर डिप्लॉय किया जाता है तो जो सैलरी होगी 2500 से लेकर 3000 के बीच में सैलरी होगी। और जो क्राइटेरिया है इसमें, जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि ज्वाइन कैसे होना है। जब आप जाते हो फ्रांस में, अगर आपको अगर आप इंटरेस्टेड हो जाने के, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा जहाँ पे, जहाँ से आप जा सकते हो। पेरिस में ही है ये लोकेशन। और जो मेन चीज़ है वो है कितना टफ है अंदर जाना। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है 7 डेज तक आपको अंदर रहना पड़ेगा, जिसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी होगी सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर IQ लेवल के आपके क्वेश्चंस होंगे, पूछे जाएंगे आपसे कि देखते हैं कि बंदा कितना तेज है, डल तो नहीं है पूरा, डम तो नहीं है पूरा, ठीक है, मतलब कुछ ना बोले, मतलब हाँ बड़ा एक्टिव भी है कि नहीं है, ये सारा टेस्ट होगा। सेकेंड प्रोसेस में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या होगा कि आपके दांत भी सारे चेक किए जाते हैं, आँखें वगैरह, ये तो नॉर्मल है, आपके दांत भी चेक किए जाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा दिखाया जाता है। उसके अलावा आपका फिटनेस वगैरह होगा, पुशअप लगाने होते हैं और चिनअप्स होते हैं, चिनअप्स 10 होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ये सारा पास हो जाने के बाद अंदर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या होगा, एक हफ्ते तक आपको अंदर रखा जाएगा। अगर आपने एक हफ्ता सर्वाइव कर लिया दोस्तों तो आपकी सिलेक्शन होगी फ्रेंच आर्मी में। सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है। सर्वाइव में क्या होता है कि जैसे आपकी जो भी आपकी जो ट्रेनिंग होगी कंप्लीट हो जाने के बाद, एक हफ्ते तक जो ट्रेनिंग होती है, आपको जहाँ रहना पड़ेगा, बंक बेड होते हैं वहीं पे रहना पड़ेगा, और किसी से कुछ बात नहीं करना है कि हाँ भी ये गप्पे लगाने शुरू कर दें हम, उन्होंने सिर्फ आपका यही टेस्ट करना है कि बंदा कितना चुप रह सकता है। ये तो है नहीं कि बस ट्रेनिंग के बाद बक 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 कर रहा है। और दूसरी बात, आपको पता ही है मोबाइल का ज़माना है, जब आप अंदर जाओगे आपका जो मोबाइल है वो हैंड ओवर हो जाएगा,
आप हफ्ता तक, 10 दिन तक, जितने भी दिन अंदर आपने रहना है, जब तक कोई सिलेक्शन नहीं होती, आप अपना मोबाइल देख नहीं पाओगे, ठीक है, किसी से बात नहीं कर पाओगे, आपकी फैमिली से बात नहीं कर पाओगे, किसी से भी बात नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ अंदर आर्मी का जो प्रोसेस होता है वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। और अंदर आपने क्या क्या लेके नहीं जाना है, आप चाबी भी नहीं लेके जा सकते हो। जैसे होता है ना कि बंदा, चलो यह माल्टा में रह रहा है, कहीं और शेंजन में रह रहा है, घर की चाबी वगैरह साथ में लेके जाते हैं, आप चाबी भी लेके जा नहीं सकते हो, चाबी वगैरह हो गई तो वहीं पे फेंक देंगे, चाबी आप नहीं ले सकते। हाँ, जो आपके जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, शेविंग मशीन हो गया है, और साबुन हो गया, टावल हो गया, कपड़े वगैरह, ये लेके जा सकते हो। आपको एक लॉकर दिया जाएगा जहाँ पे आप अपने कपड़े रखोगे, और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, ये सारा चीज़ के लिए अलग से लॉकर प्रोवाइड किया जाएगा आपको, जहाँ पे आप ये चीज़ रखोगे। अगर भगवान ना करेगी, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, तो जब आप जाने वाले होगे तो आप तब भी आपको सामान मिल जाएगा, अगर आप सिलेक्शन हो जाती है तो आप तो खुशी खुशी अपना सामान लेके जाओगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है, और इतना हार्ड नहीं है कि हाँ भी, जैसे मैं पेरिस में गया था, वहाँ पे बहुत सारे लड़के देखे थे मैंने, जो इनके जो रिलेटिव थे या उनके जानने वाले थे, जो आर्मी में हो गए हैं, फ्रेंच आर्मी में, जिनकी सिलेक्शन हो गई है। और नेपाली लड़के बहुत ज़्यादा फ्रेंच आर्मी में जाते हैं, इवन नेपाल में भी जब होते हैं तो उनको भी बहुत क्रेज़ होता है। यहाँ पे लड़के लोग थे, उनसे मेरी बात हुई थी, डिलीवरी में एक लड़का है, 2 बार गया, दोनों बार फेल हो गया था। तो फिर वो कहता है कि मैं अब जिम लगा हूँ और फिटनेस प्रॉप करके फिर जाऊँगा, अभी 37 उसकी एज हो चुकी है ऑलरेडी, नेपाली लड़का है। तो उसने कहा कि हम जब नेपाल में होते हैं तब भी हम इसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं, लेकिन बात यह है कि हम फ्रांस में जाए कैसे जाए, क्योंकि ये लोग तो बस, इनको ये नहीं कि आपके पास वीज़ा वैलिड है या नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट मांगते हैं, जिस भी कंट्री से आप हों, ऐसे नेपाल या इंडिया, अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो सीधी सिलेक्शन है। और ये 12 महीने इसकी प्रोसेस होती है, 12 महीने, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए खुलेगी या ज़्यादा दिन के लिए, जब तक महीने हैं, पूरा 1 साल के साल पूरा, जब भी आप जाओगे आपको मिलेगा। बेस्ट टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग में जाओ, 7 to 10 के बीच में, जैसे मैं वहाँ पे जो ऑफिसर थे, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर सुबह के समय अगर आप आओगे तो अच्छा रहता है, रैदर देन इवनिंग के टाइम पे। तो जिसको भी अगर इंटरेस्टेड है फ्रेंच आर्मी में जाने के लिए, इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ सेफ हो जाएगी, मतलब आपको टेंशन नहीं होगी कि यार जब तक मैं बाहर आके कमा रहा हूँ तब तक चलता रहा है, जब स्टॉप हो जाएगा, काम नहीं होगा, या मेरे को वापस जाना पड़ गया बैक होम, तो फिर मेरे पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है और आपकी पेंशन लग जाएगी, पेंशन भी धासु पेंशन पेंशन होती है, ठीक है, जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो। तो 1-1 साल के बाद आप घर भी जा सकते हो, और आपको 45 डेज़ की लीव मिलेगी। तो ये थी वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, शेयर कर देना, लाइक कर देना, जो लोग आर्मी के लिए इंटरेस्टेड हैं, और उनके लिए अच्छी वीडियो हो गई है। थैंक यू।